आज का वचन हमारे प्राण, हमारे आत्मा और हमारे शरीरों के लिए है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो हमारे शरीर, प्राण और आत्मा की चिंता करने वाला परमेश्वर है। अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि जब परमेश्वर ने संसार को बनाया तो पहले संसार को बनाया और उसके बाद मनुष्य को बनाया, ताकि इससे पहले कि मनुष्य की सृष्टि की जाए, मनुष्य की सब आवश्यकताओं की सृष्टि की जाए, उसने प्रकाश बनाया, जल बनाया, पेड़ पौधे, फूल, साग सब्जियां, जो भी मुझे और आपको चाहिए। ये ना केवल परमेश्वर के महान बुद्धि समझ की ओर, लेकिन परमेश्वर के महान प्रेम की ओर इशारा करता है कि वो आपकी चिंता करने वाला परमेश्वर है, आपको प्यार करता है, आपकी चिंता करता है। इसलिए आज हम कुछ महत्वपूर्ण वचनों पर मनन करेंगे और पवित्र शास्त्र बाइबल से सीखेंगे। मेरे साथ एक अध्याय निकालिए, उत्पत्ति की पुस्तक, और उसका पहला अध्याय और 26 पद। यह लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाएंगे। आप परमेश्वर की समानता में हैं, इस बात के लिए आपको गौरव होना चाहिए। इस संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं जो परमेश्वर की समानता में है सिवाय मनुष्य के। एक बार मैं अपने पत्नी के साथ मेरी बेटी के स्कूल के कार्यक्रम में गया और वहां पर मंच पर मेरी जो बच्ची है आर्णिका, बड़ी बेटी है, अभी वो 13 साल की है, उस समय वो 7 साल की थी, और एक मंच पर उसका एक कार्यक्रम था, उसका एक प्रतियोगिता थी, डांस प्रोग्राम था। तो जैसे आप सब पीछे बैठे हैं, इतनी दूर मैं पीछे बैठा था और स्टेज के ऊपर 5-6 बच्चे एक साथ नृत्य कर रहे थे, डांस कर रहे थे, और इतनी दूरी से पहचानना मुश्किल हो रहा था कि इसमें आर्णिका कौन सी, क्योंकि सबने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। और फिर मैंने फोटोग्राफ खींचा और उसमें मैंने देखा जूम करके, अच्छा ये आर्णिका है, ये मेरी बेटी है। वहां और भी बच्चे थे, मैं उन्हें भी देखकर खुश हो सकता था, उनकी भी फोटो निकाल सकता था, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं किसकी फोटो खींचना चाहता हूं जो मेरी समानता में है। इसे कई बार हम ये भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर की समानता में हम उसके लिए कितने प्रिय हैं, कितने प्रिय हैं हम उसके लिए। और वो परमेश्वर निरंतर आपका मार्गदर्शन करना चाहता है। सब कुछ ठीक था, बाइबल कहती है कि परमेश्वर आदम और हव्वा से मिलने के लिए अदन की वाटिका में आते थे। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 10 पद पढ़ेंगे, वहां लिखा है, उसने कहा कि मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूं इसलिए मैं छिप गया हूं। एक दिन पहले तक सब कुछ ठीक था, परमेश्वर और मनुष्य की अद्भुत संगति होती थी, जैसे हम लोग संगति में बैठे हैं। लेकिन एक दिन जब परमेश्वर आदम और हव्वा से मिलने के लिए आया, लिखा है वो आदम परमेश्वर की उपस्थिति से छिप गया और डरने लगा। इसके पीछे कारण है, आदम और हव्वा ने पाप किया और वो परमेश्वर की उपस्थिति से छिपने लगे। ना केवल इतना, लेकिन अगर आप 24 पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, और इसलिए परमेश्वर ने आदम को निकाल दिया। जिस परमेश्वर ने प्रेम किया, चिंता की, जिसने मनुष्य को बनाने से पहले उसकी सारी आवश्यकताओं को बनाया, अपनी समानता उसे दी, उससे प्रेम किया, बाइबल कहती है कि एक दिन परमेश्वर ने
उसको अदन की वाटिका से अर्थात अपनी उपस्थिति से निकाल दिया। ठीक इसी तरह एक दिन मेरी छोटी बेटी जिसका नाम आर्विका है, वो किसी बात पर झगड़ा कर रही थी, तो मैंने उससे कहा कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। और वो थोड़ा गुस्सा कर रही थी, मैंने उसका हाथ पकड़ा और रात 11 बजे अपने घर के बाहर उसे मेन गेट के बाहर खड़ा कर दिया। और मैंने कहा तुम नहीं आ सकती, मैंने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। और मैंने दरवाजा बंद कर लिया, मैं अंदर आके सोफे पर बैठ गया। लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक और मैं नाराज हूं क्योंकि मैं पिता हूं और मैं अपने बच्चों को अपने संतानों को सही मार्ग पर चलाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वो मेरी आज्ञा में रहें, मेरी सुरक्षा में रहें, मेरी बातों में उनके लिए जीवन है, शांति है, संपूर्णता है। लेकिन दूसरी तरफ एक क्रोध है, प्रेम भी है क्रोध भी है। वो लगभग 5 मिनट बाहर खड़ी रही, रोती रही, लेकिन उसके बाद मैंने दरवाजा खोला और मैंने उसे अपने घर में बुलाया, उसे गले लगाया और लगभग 1 घंटा उससे बातचीत की और उससे प्रेम किया। ये कहानी यहां खत्म हो सकती थी। परमेश्वर ने सृष्टि की, मनुष्य को बनाया, उससे प्रेम किया, फिर एक दिन परमेश्वर को गुस्सा आया क्योंकि पाप किया और परमेश्वर ने उसे अदन की वाटिका से निकाल दिया। ये बाइबल यहां खत्म हो सकती थी, ये अध्याय यहां खत्म हो सकता था। लेकिन जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे आप देखेंगे कि वो परमेश्वर किस तरह से बार 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 उस मनुष्य की चिंता करता है और उसके पीछे आता है। ये परमेश्वर का स्वभाव है। किसी ने कहा कि मनुष्य परमेश्वर के बगैर नहीं रह सकता। लेकिन आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मनुष्य परमेश्वर के बगैर नहीं रह सकता तो परमेश्वर भी मनुष्य के बगैर नहीं रह सकता। ये एक सच्चाई है। और इसलिए जब आप बाइबल के अध्यायों को आगे पढ़ते रहते हैं आप देखते हैं कि वो परमेश्वर, जब हमने बार बार पाप किया, बार बार परमेश्वर को धोखा दिया, बार बार वो परमेश्वर हमारे पीछे आया, बार बार उसने हमारे साथ संगति की। हम यूहन्ना उसका 15 अध्याय देखेंगे, सॉरी लूका उसका 15 अध्याय और उसके 13 पद में लिखा है कि बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश चला गया और वहां कुकर में अपनी संपत्ति को उड़ा दिया। आज भी प्रत्येक दिन मैं और आप बहुत सी बुराइयों को, बहुत सी बुराइयों को, पापों को करके परमेश्वर के साथ उस रिश्ते में बाधा डालते हैं। लेकिन क्या वो परमेश्वर हमें छोड़ देता है? क्या वो परमेश्वर हमें भूल जाता है?